हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विशाल सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ अपने गांव के जंगल में, जहाँ आपको जंगल सफारी कराता हूँ और घुमाता हूँ अपना छोटा सा इलाका। ये गेट देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इंटर कर लिए। मैं आपको लेके जा रहा हूँ झुमका, जो इसका रोड ये है। एक मूवी आपने देखा होगा काल, सेम वैसा ही रास्ता है, एकदम हॉरेबल। और दोनों तरफ झाड़ी ही झाड़ी है यार, बचा के चलाना गाड़ी। झाड़ी है झाड़ी है, बचा के चलाना गाड़ी। इसने तू आया कि नहीं आया? फर्स्ट टाइम है ना। आगे मजा आएगा। स्टेबल मोड तो इसका जोरदार होगा। नहीं, तुम्हारे S10 का तो बढ़िया था यार। S10 का तो जबरदस्त था। S10 का बहुत अच्छा था स्टेबिलिटी। तो ऑफ रोडिंग यहाँ पे है जबरदस्त। यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा जो रास्ता है ना, एकदम बचा। चलो चलो चलो। तो चलते हुए वीडियो में हम इधर ले लिए अपना फेस को। मेरे साथ है क्रिस और सिप्पू और एक कैमरा कॉन्शियस इंसान भी है। और ये वादियों का मजा लेते हुए गाड़ी चला रहे हैं। और आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए, आगे आपको झुमका बांध के नज़ारे दिखाते हैं। क्या व्यू है सामने, शानदार। वाइड एंगल मोड में ले लेते हैं। मैं अब आपको लेके आ गया हूँ झुमका बांध के दूसरे साइड में। इस साइड मतलब हमारे गांव की तरफ से जो साइड है, उस साइड से आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे एक गार्डन भी है, आप देख सकते हैं। इसका मैं एक वीडियो सॉन्ग वीडियो बना के डाला हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। और ये आपको यहाँ से आपको झुमका दिख जाएगा हल्का फुल्का, आपको दिखाता हूँ आगे। तब यहाँ से आपको दिखेगा झुमका बांध, जोरदार, सबसे बड़ा बांध है यहाँ का। चारों तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आम है, लीची है, बिही है और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और काफ़ी यहाँ पे अच्छा भी लगता है, फ्रेश है। और इस पार्क का नाम ही है ऑक्सीजन पार्क। तो यहाँ पे लोग दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं ऑक्सीजन लेने। और यहाँ पे बोटिंग की भी सुविधा है। सीधा लेके चलता हूँ बांध के पास। और मेरे साथ आज मेरा छोटा भाई सिब्बू भी है। और हम लोग चार पांच जन आ गए घूमते घूमते। बोले कि चलो घूम के आते हैं ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन पार्क में। ऑक्सीजन पार्क पहले बहुत सफाई रहती थी, काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे मैं आया हूँ। और अभी थोड़ा सा सफाई कमी है, लेकिन फिर भी बाहर की तरफ साफ़ सुथरा है। ये थोड़ा मोड़ा झाड़ी उग गया, और ज़रूरी भी है, इतना रहना चाहिए।